ससुर जी को बुलाएगा तो मेरे ससुर जी 10 बजे आए, 10 बजे आने के बाद वो मुझे लेके ही नहीं है, लेके नहीं आया। मैं थाने में जो लड़कियां ट्रेनिंग पे रहती है मैं उनके साथ 2 दिन रही थाने में, सोई वहाँ पे और खाई वहीं पे। थाने में ही सोया? हाँ थाने में ही सोई थी। वहाँ सोने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद फिर मैं यहाँ आई, इनसे मदद मांगी। रात के 11-12 बज चुके थे, इनके पास आई, मैं इनको बोली कि अपने घर में रख लो मुझे, तो इन्होंने बोला हम नहीं रख रहे भाई, तेरे सास ससुर यहाँ आके लड़ाई करेंगे। मैं नहीं करेंगे, मेरे बात का भरोसा करो इनके। तब से कल आपके साथ क्या हुआ? कल मैंने महिला थाना में हेल्पलाइन पे फोन किया जी। मैंने उनको बुलाया, 2-3 ऑफिसर आए, ऑफिसर आने के बाद वो घर में गए और मुझे घर में घुसा दिया उन्होंने। तेरा घर है, तू रह सकती है। वहाँ जाने के बाद, घर में घुसने के बाद, वहाँ मेरे छोटे ससुर जी थे जी। तो वो लगे बोलने कि तू इस घर में नहीं रह सकती, तू निकल। पुलिस के सामने बोले? हाँ पुलिस के सामने। तो पुलिस वाला बोला अब इसको आप निकाल नहीं सकते यहाँ से, घुस तो गए लेकिन नहीं निकाल सकते, चाहे कोई भी आके। नहीं तो मैं फिर 1 घंटे बाद मेरे पूरे परिवार आया, मेरी बुआ आई, मेरी छोटी सास आई, बाल खींच के और मार के मुझे घर के सामने, घर से ऐसे धक्के मार के निकाल दिए सब गांव वालों के सामने। और मेरे ससुर की पहले से ही मुझे लेके नियत खराब थी, ये चीज मुझे बाद में पता चली जी। तो कल आप कमिश्नर ऑफिस गई थी, उसके बाद ही तो महिला पुलिस ने आपकी हेल्प की ना? हाँ। तो पुलिस का तो पुलिस भी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? पुलिस ने तो कार्रवाई की, कल आपके पास आए वो यहाँ। मैंने फोन किया उनको, आप बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, अब तक मुझे घर में नहीं ले रहे, 10 दिन से मैं दूसरे घर रह रही हूँ। तो वो रख के भी गए और उन्होंने धक्के मार के निकाल भी दिए, बाल खींच वगैरह मार पीट के। कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम निखिल की बुआ लगती है ना, निखिल की बुआ थी और मेरी छोटी सास थी, कविता नाम है, कविता थी, सविता जी। और मेरे सास ससुर भी मौजूद थे लेकिन गाड़ी के अंदर। ठीक।